राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरंज में राज्य स्तरीय युवा पार्लियामेंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने किया। भोरंज स्कूल के प्रधानाचार्य व कार्यक्रम के समन्वयक सुदेश ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 309 बच्चे भाग ले रहे हैं, जो यूथ पार्लियामेंट में प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरंज में राज्य स्तरीय युवा पार्लियामेंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने किया। भोरंज स्कूल के प्रधानाचार्य व कार्यक्रम के समन्वयक सुदेश ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 309 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जो यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर शिमला जिला से आई टीम ने यूथ पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया। इसके बाद क्रमवार अन्य जिले भी प्रदर्शन करेंगे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सभी प्रकार की स्पर्धाओं में छात्रों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने पर भी बधाई दी। उन्होंने छात्रों की गलती भी सुधारी और संसद या विधानसभा में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री व मोबाइल वर्जित होता है। यहाँ पर 10 जिलों के बच्चे लगभग 309 बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दो दिन चलेगा प्रोग्राम 26 और 27 को। आज शिमला का पहला नंबर लग गया और उसके बाद दूसरा बिलासपुर और इसी प्रकार क्रम वाइज कल समाप्त होगा। आज हमारी विधायिका कमलेश कुमारी ने ओपनिंग की और कल हमारे डीसी साहब क्लोजिंग के लिए आएंगे। लगभग 12 बजे के लगभग हमारी क्लोजिंग 27 को हो जाएगी। तो उसमें जो भी जो फर्स्ट टीम आएगी उसको हम सिलेक्ट देंगे। पहली पांच स्कूल आएंगे उनको भी हम प्रोत्साहन देंगे। साथ साथ हर स्कूल के 5 विद्यार्थियों को जो बेस्ट विद्यार्थी होंगे प्राइम मिनिस्टर या वक्ता होंगे तो उनको भी हम मेडल देंगे। धन्यवाद। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपायुक्त हमीरपुर हरकेश मीणा करेंगे। इस मौके पर इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री राकेश ठाकुर, वर्तमान युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय शर्मा, ग्राम केंद्र अध्यक्ष ज्ञान चंद, बलवीर सिंह, एडीपीओ राजेंद्र शर्मा, प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापक उपस्थित रहे।